तो बताओ कत्तो भी लाए 2,33,000 कुछ रुपया। तो अति बिजली क्या हम खर्च करी? 3 दिन काम पे कौन गयो? तीन दिन काम पर तो डायलॉग रिसेप्शन चुका बंद टाइम की रिएक्शन आता रात नींद ही को नहीं। दूसरे दिन काम पे कौन गए? मैं तो छुट्टी पे हूँ। पर बिजली विभाग से बात करी ना, बोले टेक्निकल कंप्यूटर को मिस्टेक होगी सर, आपकी सुधार दी गई, गलती हमने मान ली गई है। अब तो नींद आ गई, चौकी आई को नहीं। अब तो नींद तो आई पर 1100 को पैसे इतने क्या हुआ, कहाँ कहाँ चक्कर काटने पड़ेंगे, पर भगवान ने सुनी। बता रहे बेटा सुहावनी कर रहा है, मैं तो आज 21 तारीख ने जाता काल, आज 22 की सुहावनी बा कैंसिल कर दी बिल का पेट है। क्या बिल चुकाऊं सुहावनी करा। राम राम सा मथरसा तरुण और थे देख रहे हो झुलको झुंझुनू। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ मिश्रा की डाणी जी ग्राम पंचायत लगा काना कावाली नवलगढ़ उपखंड को क्षेत्र पड़े है। अठीक अजीब मामलो अपने सामने आवा है। परिवार थे देख सको हो, परिवार के सदस्य मेरे साथ ही नॉर्मल सो परिवार है जिसको मैंने कहा भैंस ये सब पाले। तो मामलो है अजीब तरह को सामना आवा है, जो आपको बिजली को बिल है वो लगभग 2,33,000 को, यानी कि लगभग 2,50,000 रुपए को बिल आगे घर को आवे। यो एक रोचक विषय बन रहे, हालांकि ये मिस्टेक ने ठीक भी कर दी गई है, लेकिन एक बारह का मैं आप जानागा कि भैया मिस्टेक क्यों हुई। सात का मायने ही जब पहली बार पतो लगे परिवार आनंद कि अत्तो बिल आए तो आगे आगे मन के मायने के विचार आया बातचीत वगैरह का। राम राम जी। राम राम। श्रवण जी सौ पहले जो थन पतो लगे कि अत्तो बिल आए, पहले तो बताओ कत्तो बिल आए? 2,33,000 कुछ रुपया। तो अति बिजली क्या हम खर्च करी? 3 दिन काम पे कौन गयो? 3 दिन काम पर तो डायलॉग रिसेप्शन चुका बंद। तो अब तो कम खर्च करो क्यों यार मन यार मिस्टेक होगी, देखो कंप्यूटर में हुई है कि रीडिंग वाले से हुई है, किसी ने कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई, पर बिजली विभाग ने सुधार दी, वापस मारा हमारा जो बिल आया वो कम कर दिया। जब थन पहली बार यू पता लगे तो बिल है टाइम की रिएक्शन आता रात नींद को नहीं। दूसरे काम पे कौन गए? मैं तो छुट्टी पे हूँ, काल काम पे गये हूँ। बाद में कोई कागज गुहार भी लगाई? गुहार तो प्रशासन आगो बेरो पड़गो, कोई भाई लोग कह दिया भाई तो बिलाई गरीब आदमी बाया जो करगा। दूसरी का बात का मायने अपने घर से पहले बात कर ले तो क्या कोई यूज है, कतो लोड को यूज है? क्यों बनी एक पंखो एक बस पंखा ही दो चार लाइटें। अच्छा नॉर्मली नॉर्मल एसी एसी तो कूलर का तो भाई गन पिसाई को मार के लिया एसी कूलर को ले लिया भाई। जाहिर सी बात है नॉर्मल परिवार है तो भाई चीज अफोर्ड बन गए, लेकिन आज चीज थोड़ी सी अजीब जद लागी कि भाई 200 यूनिट यानी कि दो महीना की 200 यूनिट फ्री हर महीने की 100 के हिसाब से और बिल आ रहे हैं तो एक नॉर्मल फैमिली है तो थोड़ा सा कोतूहल को विषय बने भाई। यहाँ लगे तो बिल तो आई कौन सके क्योंकि हाँ पंखो अब गर्मी आ गई जिसमें दो पंखे चल रहे हैं, चलो 100-200 का तो आज 300 तक भी चलो ठीक है भाई पंखा चलने लगा। पहले तो लाइट सस्ती लाइट हम तो 0-0 अब ये वैसे ज्यादा भी ला रहे, पर बिजली विभाग से बात करी ना, बोले टेक्निकल कंप्यूटर को मिस्टेक होगी सर, आपकी सुधार दी गई, गलती हमने मान ली गई है और आपका बिल ये दूसरा 400 कुछ रुपए का है ये जमा कर देना। अच्छा 2,33,000 से सीधे 400 में कन्वर्ट हो गया? 400 में बिजली विभाग ने दूसरे दिन घर पे आए थे, अपनी गलतियां स्वीकार करी है कि गलती हो गई कंप्यूटर से या किसी कहीं से गलती होगी, पर आपका ये दूसरा बिल लो 400 कुछ का। मेरे भाई का 52,000 का आया था जो 0-0 बिलियन था उसका आज 12 महीना हो गया। 25 यूनिट 30 यूनिट 25 यूनिट 40 यूनिट से कभी आज तक आया नहीं ज्यादा। अच्छा, 52,000 कुछ बाको 0-0 बिलियंस है बाको जीरो है बाका दो नौ यूनिट बड़े 50-55-35 इससे ज्यादा करे आज नए मीटर लिए भी 12 महीना में चार बिल आए उनके 4 या 5 45-55-30-35 इससे ज्यादा यूनिट कभी निकले नहीं, यानी फ्री वाले भी बेकार जा रहे हैं। जो एक फ्री को क्राइटेरिया भी मेरे जाएंगे उसको भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अब तो नींद आ गई चौकी आई को नहीं, अब तो नींद तो आई पर 1100 को पैसे इतने क्या हुआ, कहाँ कहाँ चक्कर काटने पड़ेंगे, पर भगवान ने सुनी वरना झूझ न जाओ वहाँ जाओ पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर काटने पड़े। कौन कौन सा अधिकारी है? कौन अधिकारी पूछा? पहले तो मीडिया बंद हो यहाँ पे पहुंचे, उससे प्रशासन को पता चला, बिजली बोर्ड को पता चला कि कहाँ गलती हुई अपने से, तो उस गलती को सुधारने के लिए फिर जयन अयन साहब सब यहाँ पहुंचे मौके पर और मीटर की रीडिंग चेक की। रीडिंग चेक करने के बाद बिल की रीडिंग मिलाई, दोनों में काफी डिफरेंस था क्योंकि बिल की रीडिंग 28,000 से ऊपर थी और मीटर में लगभग 3,000 मीटर में लगभग आ रहे थे 200-250 यूनिट 300-3,000 इतने यूनिट आ रहे थे मीटर में, तो उनकी त्रुटि है वो गलती जो भी हुई उनको ठीक कर गए और उसी दिन सेम दिन ठीक कर गए। बाद में परिवार को जी टाइम को विचार चाल रखिए बातचीत चल रही पूरा परिवार में जब डायलॉग को भी लो परिवार में तो यहाँ है कि जब डायलॉग का बिल आया था ना तो ये तो 2-3 दिन तक काम पे नहीं गए थे, उनको टेंशन हो रही थी भाई डायलॉग कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, डायलॉग का बिल तो उनको तो टेंशन हो रही थी, 2 दिन तक काम पर गए नहीं। फिर मीडिया में बात गई और प्रशासन यहाँ पे आया, इनके बिल में सुधार किया, उसके बाद से कल से काम पर जाने के लिए जाने लगे हैं। अब के माहौल है परिवार में? अब तो ठीक है, अब तो 200-300 रुपए वो 300-400 रुपए का बिल आया अभी
कोई भैया प्रसाद प्रसूद भी बोलोगे सरवण जी कि भाई ठीक हो जाए कोई जज्जा। तो देखो बिल आया नाइट में हमने पढ़ा और दूसरे भाई लोग के तरह से वो मीडिया वाले आ गए सुबह सुबह इस तरह आ गए 11 बजे आके उन्होंने न्यूज बनाई न्यूज डाली तो दूसरे नष्ट विभाग ने अपनी गलती सुधार ली। क्या बता रहे बेटा सुहावनी कर रहा है मैं तो आज 21 तारीख ने जाता काल आज 22 की सुहावनी बा कैंसिल कर दी बिल का पेटा है क्या बिल चुकाऊं सुहावनी करा सुहावनी कहीं कर रहा साला सर बाबा का कर रहा है। भाई देखो चिंता का मायने सुहावनी बा भी कैंसिल करनी पड़ गई आगे बढ़ा दी पोस्टपोन कर दी कद की करिए अब 8 तारीख के करेंगे अगले महीने नेक्स्ट मंथ में बिल्कुल जे आप पूछा हाँ और एक क्लरिकल मिस्टेक है एक परिवार की टेंशन को रूप बन हुआ है। हालांकि ये गांव के मायने और भी जो कई मामला आपने बताए की मिस्टेक हुई है हालांकि मिस्टेक है सुधार दी गई है तो ए की जो विभागीय गलती बाकी पर थारो के मानना